और अगली बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पर गैंगस्टर की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। सोनीपत में गैंगस्टर की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला और गैंगस्टर रामकरण भैयापुर की अवैध कब्जे को ढहा दिया गया है। रामकरण पर हत्या के प्रयास समेत कई अपराधी केस दर्ज थे। सोनीपत पुलिस और डीडीपी विभाग की अगुवाई में ये कार्रवाई की है। हम आपको बता दें कि रामकरण पर हत्या के प्रयास समेत कई अपराधी केस दर्ज थे और अब उसकी प्रॉपर्टी को पीले पंजे ने ढहा दिया है। सोनीपत से ये बड़ा मामला, बड़ी खबर, गैंगस्टर की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला और गैंगस्टर रामकरण इसका नाम है, रामकरण भैयापुर इसे कहा जाता है, जिसके अवैध कब्जे को ढहा दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर किस तरह से अवैध कब्जे किए हुए जो दफ्तर बनाए हैं, जो बिल्डिंग बनाए हैं, उन सब पर पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पूरे इमारत को ढहा दिया गया है। रामकरण पर हत्या के प्रयास के भी कई सारे आपराधिक केस दर्ज है। सोनीपत पुलिस और डीटीपी विभाग की अगुवाई में कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बुलडोजर अभियान के बाद अब हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बुलडोजर है, वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर वो चल रहा है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें वो सोनीपत के गांव भैयापुर की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लगातार जो कार्रवाई है अवैध संपत्ति पर, गैंगस्टर रामकरण भैयापुर की उसकी अवैध संपत्ति है उसको तोड़ा जा रहा है। देखिए, और यहाँ पर आपको तस्वीरें हैं वो दिखा रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वो आप सूर्य समाचार पर देख पा रहे हो किस तरह से बुलडोजर है वो चल रहा है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि गैंगस्टर रामकरण भैयापुर पर लगभग आधा एक दर्जन से ज़्यादा संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज है और इसने हाल में ही सोनीपत कोर्ट में अजय और बिट्टू पर एक पुलिस मैन से गोली है वो चला दी थी, जिसमें और वो जिंदगी और मौत की भी जंग लड़ रहा है। और उसने उसी दिन जब बिट्टू और पर गोलियां चली, उसके पिता की हत्या है वो गांव रोणा में उसके कुछ शूटरों ने है वो कर दी थी। और अब हरियाणा सरकार है वो जिस तरह से बुलडोजर अभियान चला रही है उसी के तहत गैंगस्टर रामकरण भैयापुर की अवैध अकूत संपत्ति पर भी बुलडोजर है वो चलाया जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप सूर्य समाचार पर देख सकते हो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी अब बुलडोजर अभियान है वो सड़कों पर है। और इससे एक संदेश है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर ये दिया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा कि आप चाहे वो नशा तस्कर हो या फिर कोई भी अपराधी, वो हरियाणा सरकार की शिकंजे से नहीं बचने वाला। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक।